और औरत को अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तीन तलाक का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है ना, उसके लिए लेक टंडन जी ने बोला है कि औरत को हर उसमें आगे बढ़ के अपने हक को लेना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारा कोई इजाज़त नहीं देता कि औरत की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी में कम लेकिन पिछड़े वर्ग में ज़्यादा होता है। और वो बेचारी जिनको व्हाट्सएप से, जिनको लेटर से तलाक 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 की धमकियां मिल जाती हैं, तो अगर नौकरी पेशा नहीं है तो वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? तो उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ये मुद्दा उठाया लेख जी ने। सर कल रिलीज हो रही थी सर, कल फिल्म रिलीज होने वाली है जी। कितने एक्साइटेड है, कितने नर्वस है फिल्म को लेकर? कैसे जर्नी रही है फिल्म की जब से आपने बनाना शुरू किया? नहीं, नर्वस होना मेरी फितरत नहीं है, मैंने 45 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, हर फैक्ट्री एक फिल्मी थी। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, ये हमारा दूसरी कंपनी जिसकी ये देखती हैं। लेक टंडन साहब ने बड़ा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चूज किया, और ये उन्होंने देखे जो बनाई है पिक्चर उस चीज़ पर बनाई है जो उन्होंने होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखी है। ये एक सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। शेखोपुरा जो पाकिस्तान में, वहाँ वो रहते थे, उनके नेबरहुड में ये हुआ था। फिर उन्होंने वो बताया रेवती चरण शर्मा जी को, उन्होंने इसके ऊपर एक नावल लिखी, और बहुत ज़माने से उनके मन में था कि इस पर मैं फिल्म बनाऊँ, लेकिन प्रोफेसर आम्रपाली, झुमकिया आसमान, ये सब फिल्में बनाते बनाते 15 फिल्में बनाई, एक से एक कामयाब फिल्में और महान फिल्में, अगर तुम ना होते, दुल्हन भाई जो किया मतलब वगैरह वगैरह, ये कहीं खो गया था सब कुछ। फिर उनको याद आया जब वो 25 सीरियल 15 फिल्म, ये तो रह गया मुझे बनाना है, तो उनसे बात की, उनसे बात की, हम लोगों ने कहा बनाइए सारे। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, एक धार्मिक पहलू है, एक इमोशनल पहलू है। इमोशनल पहलू औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से है, धार्मिक पहलू शरीयत और कुरान शरीफ के मुताबिक है। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि तीन तलाक होना चाहिए, उसमें एक तरीका दिया गया है कि अगर रिकनसाइलेबल डिफरेंसेस हों तो उनको कैसे टैकल किया जाए, औरत मर्द का किसको क्या करना चाहिए, उसमें कहीं नहीं लिखा कि तीन बार कह दीजिए तलाक हो जाए, पहली चीज़ यह। उसके बाद शरीयत है, शरीयत में तरीका बताया गया है कि 6 महीने तक आप कुछ करिए, 6 महीने की पहला तलाक दीजिए और दो ही तलाक दीजिए, तीन तलाक है ही नहीं, पहला तलाक दीजिए, उसके बाद 3 महीने तक आपको सुलह सफाई का वक्त दिया जाएगा, उसके बाद बिस्तर अलग किए जाएंगे, उसके बाद भी ना बना 6 महीने के बाद दूसरा तलाक दे सकते हैं, वो भी म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों की रजामंदी से। अब धार्मिक रोटियां, धार्मिक लोग जो हैं सेल्फ अपॉइंटेड एजेंट्स ऑफ गॉड, उन्होंने ऐसा किया कि साहब अपने हिसाब से उसको उससे शक्ल दे दी, आजकल ईमेल है, व्हाट्सएप है, और फेस टाइम है, और कोई भी तरीका है, ट्विटर है, आप तलाक दे कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, और यही इसमें कहा गया है कि इसको बंद कर देना चाहिए। आदमी औरत को आपस में समझौता करके एक सुलह कर लेनी चाहिए, ये तरीका नहीं है कि आपने 3 बार तलाक दे, उसके ऊपर क्या बीतती है, उसके दिल से कोई पूछे कि उसके ऊपर क्या बीतती है जी। और बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, आप देखिए आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा संगीत है जो हमारे मियां ने दिया है। नहीं, इन्होंने गाने गाए, मैंने गाना गाया है इसमें, और पुराना जमाना लोगों को फिर से याद आएगा और लोग गुनगुनाते हुए बाहर निकलेंगे। दो चीजें इसमें कही गई, कंटेंट इज बैक, मेलोडी रिटर्न, ये हमारा यूएसपी है जी। तो उम्मीद है पिक्चर चले, आप लोग चलेगी इंशाल्लाह, बहुत चलेगी, और आप लोग हम गाना, हमारे गाने को गाते हुए गुनगुनाते हुए निकलेंगे आखिर में जाते जाते, अगर गाने की दो लाइनें आप गुनगुनाते हैं।